बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कई बड़े फैसले किए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला तो ये है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को सरकार ने मर्ज कर दिया है, यानी कि अब ये दोनों विभाग ही अब एक होंगे। दोनों विभागों की जिम्मेदारी भी एक ही मंत्री को दी जाएगी। साथ ही अशासकीय शिक्षकों के छठे वेतनमान का लाभ, कई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी समेत कुछ अधिनियम में भी संशोधन प्रस्ताव पास किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में एक एक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की भी स्वीकृति मिली है। कोर्ट का अधिकार प्रदूषण कंट्रोल के अधिकारियों को दिया जाएगा, जिसको लेकर मध्य प्रदेश प्रस्ताव सरकार के पास है और सरकार ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। सरकार छोटे छोटे मामलों की सुनवाई के अधिकार भी अधिकारियों को देगी। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई है। पुराने कॉलेजों को अपग्रेड किए जाने पर फैसला हुआ है। साथ ही अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षक कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ मिलेगा। जनजातीय विभाग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा। कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण निर्णय है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का हुआ है। आप सभी जानते हैं, पहले चिकित्सा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलग अलग थे। आज दोनों ही विभागों को एक कर दिया गया, जिससे कि इफिशियंसी बढ़े। ये तो हमेशा दोनों विभागों के बीच में फाइलों का आदान प्रदान होने से काफ़ी समय लगता था। ये दोनों विभाग एक होने से विभाग की कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। और इसमें आप सभी जानते हैं कि जिला अस्पताल, कॉलेज और इनके बीच में तालमेल नहीं होता था, पर अब सभी जवाबदारी एक ही प्रमुख सचिव माननीय मंत्री जी के पास है।